स्टॉक मार्केट इतना गहरा कुआं है, अगर इसको अच्छे से सीखा जाए, समझा जाए, अपने जो रिस्क है उसको अच्छे से मैनेज किया जाए और जो इमोशनल है उसको रियल टाइम बेसिस पे या फिर उसको अच्छे से हम मैनेज करें, कंट्रोल करें, तो बहुत अच्छी तरह से हम अपनी जो एक अच्छी वेल्थ है उसको क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया भी है, जहां आप और हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ अर्निंग करके अपने जो पोर्टफोलियो उसको साइज को धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, वहीं आज भी जब आप वीकली बेसिस पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हो जाते हैं या फिर एक वर्ड है जो हमें डेली बेसिस पे सुनाई देता है कि आज भी एक सट्टाई है या फिर सट्टाई है या फिर जुआई है, तो ये चीजें तो हमें सुनाई दे रही है। लेकिन ये चीज है ना, आप धीरे धीरे इस जहां पर हम बैठे हैं 2021 के मिड में, अब ये धीरे धीरे चेंज हो रही है। आपको नंबर्स के फॉर्म में अगर बताने कुछ कोशिश करें, ये सबसे पहले ये डेटा आपको कुछ बता देगा जो हमने अभी जस्ट लाइन की है। ये 2013 से लेकर 2021 तक का डेटा आपके पास क्या है, कि ये डेटा है किस चीज का, जो डीमैट अकाउंट है ना, किस तरह से उसकी पेनिट्रेशन हो रही है, किस तरह से उसकी जो एक्टिविटी बढ़ रही है उसमें, मतलब अकाउंट खुल रहे हैं आप, या फिर ये आप समझ लीजिए कि जो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 2013 में ओनली 1.7% लोग इस जुए में, इस स्टॉक मार्केट में, उनकी अगर वर्ल्ड में बात करें तो, कि वहां पर इन्वेस्ट करते थे। अब ये चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लोग थोड़ा सा जान रहे इसके बारे में, समझ रहे हैं एंड उसके बाद थोड़ा सा सीख भी रहे हैं। उसके बाद अब धीरे धीरे चीजें किस तरह से चेंज हुई है आपके सामने, 2013 से लेकर अभी तक यही चीज आते आते 1.7 से अभी 4.1% के आसपास आ चुके, मतलब। और ये सबसे ज्यादा अकाउंट कब खुले हैं, जब हमने CDSL के ऊपर वीडियो बनाया था तो उस वक्त भी ये चीजें निकल के आई थी बाहर, एंड तब हुए थे 2020 से लेकर 2021 के बीच में सबसे ज्यादा जो अकाउंट ओपन हुए हैं, क्योंकि मार्केट क्रैश हुई थी, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली एंड उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। यहां पर आपको नंबर्स के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, तो रफ्तार तो बड़ी तेज रही है, वो आप देख पाएंगे यहां से, यानी कि 13 से लेकर आपके साथ 22 यानी क्वार्टर वन 2022 तक का डेटा है। किस CAGR से हम बढ़ रहे हैं, 14 से आसपास, जिसे आप अच्छा कह सकते हो, तो ये चीज तो अच्छी रही। एंड अकाउंट किस हिसाब से खुल रहे हैं, ये सारे नंबर्स मिलियन में आप यहां देख सकते हो। CAGR आपको समझ में आ गया, अभी भी हमारा जो होल पॉपुलेशन है इंडिया का, उसका सिर्फ 4.1% ही, कि उसके आसपास ही, मतलब इतने लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। ये हमें क्या बता रहा है कि कितनी हमारी ह्यूज एंड सस्टेनेबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मतलब कितनी अपॉर्चुनिटीज हमें आने वाले टाइम में दिख सकती है। अभी सारी हमें कहानी कर क्यों रहे, देखिए डीमैट अकाउंट खुलेंगे तो किसी ना किसी को तो फायदा होगा, किसको फायदा होगा, ब्रोकर को फायदा होगा एंड बाकी जो इस तरह की कंपनी है, जैसे कि CDSL हो गए, BSE हो गए, NSE तो अभी लिस्टेड नहीं है, या फिर कैंप्स हो गए, या फिर हो एंजल ब्रोकिंग, या फिर जिस दिन जीरोधा हो जाएंगे, या फिर इस तरह की जो कंपनीज है, इनको कुछ फायदा होगा क्योंकि इनका रेवेन्यू यहीं से ही आता है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले एंजल ब्रोकिंग के ऊपर, तो आपको चीजें बैकग्राउंड से समझेंगे, इंडस्ट्री को समझेंगे, ग्रोथ को समझेंगे, तभी कंपनी को समझने में कुछ आसानी हो जाएगी। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ अभी तक हम समझ गए, अगर हम बात करें इसके ROE के ऊपर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर हम बात करें 17 में 11% के आसपास था, अभी यही चीज इंप्रूव होते हुए, और सबसे ज्यादा इंप्रूव कब हुई है, ये मार्च 20 तक उतना ही था, 14 के आसपास, उसी के आसपास रेंग रहा था, और अभी आप देख सकते 27+ उसके आसपास, यानी चीजें इंप्रूव हुई है। जो हमने देखा था ना, जो एक वन साइडेड जंप आया हुआ है अकाउंट, एक्टिव अकाउंट ओपन में, जिस तरह से लोगों ने पिछले एक साल में अकाउंट ओपन किया है, वो सारी चीज जितने भी ब्रोकरेज फॉर्म है उनको डेफिनेटली उसका फायदा हुआ है, वो तो हम देख लेंगे किस तरह से अभी तक हुआ है, उनके जो नंबर है वो कैसे निकल के आए। अगर हम बात करें इनके इनकम ग्रोथ के ऊपर, इसके 5 साल में 28+ की इनकम ग्रोथ रही है, 3 साल में 19+ और 1 साल में 75+, यानी चीजें आपको एग्जैक्टली कहां चेंज हुई ये आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर बात करें उसके प्रॉफिट ग्रोथ की, आप यहां देख पाएंगे कि 5 और 3 साल में भी अच्छा था, लेकिन 1 साल में देखिए सुपर अच्छी की कैटेगरी में चला गया, ये चीजें हमें समझा रहा है यहां से। अगर फोकस करें ROE के ऊपर, अगेन दिस इज 2022 के आसपास था, ओके की कैटेगरी था, अच्छे के कैटेगरी में था, और अभी कहां आ चुका है 34+, यानी ऑलमोस्ट 35 के आसपास जा चुका है। इसी तरह से हमें चीजें इंप्रूव हो रही है इसमें भी। ROC की बात करें, 16 से 26 हो चुका, यहां पर भी हमें कोई टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, ये तो हमने देख लिया सिर्फ 5 साल में, लेकिन ये किस तरह से इंप्रूव हुआ है वो हमने पुराने पूरा डेटा के हिसाब से देख लिया सबसे पहली स्लाइड में। इसके बाद अगर फोकस करते हैं प्रमोटर के पास है 44 एंड पब्लिक के पास है 41, यानी पब्लिक का बड़ा ही जबरदस्त इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है, आपको यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है। DIS की जो इंटरेस्ट है या फिर इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग है 9+ है एंड FIS की 4+, यानी स्मार्ट मनीज का एज ऑफ नाउ तो इंटरेस्ट है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ये हमें यहां से दिखाई दे रहा है। बाकी डेटा हमें एग्जैक्टली यहां बता देगा, सितंबर 20 से लेकर जून 21 तक का डेटा हमारे सामने है, जो प्रमोटर के पास थे 44+56,
ये अभी भी उतना ही है, जरा सा उन्होंने जरूर कम किया, कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है। ये न्यू लिस्टेड कंपनी हम जानते हैं, इसको बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, इसका आईपीओ 2020 में ही आया था, 2021 में ही आया था, तो बहुत ज्यादा टाइम उसको हुआ नहीं, अभी 2-4 साल। उसके बीच में बात करें एफआईएस की, एफआईएस का 4.32 था सेप्टेंबर 20 में, अभी 4.70, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है नहीं है, थोड़ी से बढ़ा है। एंड डीआईएस की बात करें 8.72 से 9.28 हो चुका है, उनका भी कुछ इंटरेस्ट बना है। बाकी पब्लिक के ऊपर बात करें ना 42 से 41, यानी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इन्हीं का बना हुआ है इस कंपनी में। स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी बना हुआ है, देख ले चार म्यूचुअल फंड कौन से। सबसे पहले जो निकल के आ रहा है नाम, आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, फर्स्ट फंड है जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उसका सुंदरम सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसका निपॉन इंडिया वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और उसके बाद आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये वो चार फंड है, जब आप अपनी रिसर्च करेंगे तो आपको और भी चीजें निकल के और भी म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ चार ही डिस्कस कर रहे हैं। इन सबके बाद अगर इसको खत्म करें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, जो भी एक ये सेगमेंट होता है, प्लेजिंग कुछ भी नहीं है, आप यहां देख पाएंगे मार्च 18 में प्रमोटर के पास थे 55 और वो अभी हो चुके हैं 44+, यानी कुछ यहां पे इन्होंने जो होल्डिंग है उसे कम किया है, लेकिन प्लेज बिल्कुल नहीं रखा, ये हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। इन सभी के बाद अगर इसके नंबर्स के ऊपर फोकस करें ना, आप यहां देख पाएंगे ये मार्च 2018 से लेकर ये मार्च 21 प्लस करंट तक का ही है, आपके ये समझ ले टीटीएम तक है। यहां पर आप सबसे हम दो चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, सबसे पहले एक होगा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था मार्च 2018 में 254, उसके बाद 203 बीच में और डिप आया, उसके बाद जो चीजें चेंज हुई है 2020 के बाद आपको हर फॉर्म में दिखाई दिए, नंबर्स के फॉर्म में दिखाई देंगे, इनकम के फॉर्म में दिखाई देंगे, डीमैट एक्टिव अकाउंट में या फिर जो एक्टिव अकाउंट में दिखाई देंगे, फिर ओपन अकाउंट में, हर जगह जो चीजें चेंज हुई 2020 के बाद ही हुई है, आपको यह नंबर्स के फॉर्म में भी दिखाई दे रहा है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के ऊपर, अगेन ये 108 था 2018 में, 19 में 80 सीआर और 2020 में ये आप देख सकते हो 82, वहीं पे था, उसी के आसपास था। उसके बाद चीजें किस तरह से बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, कैसी ग्रोथ रह सकती है आगे, वो भी हमने देख लिया पहली स्लाइड में। इन सबके बाद जो मार्केट में एनालिस्ट हैं उनकी सुने 100% एज एन नाउ इनके ऊपर बुलिश है, यानी इसके ऊपर बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन आपको इनकी भी नहीं सुननी, हमारी भी नहीं, अपने एडवाइजर की पूछनी, अपने एडवाइजर की सुननी है, उनसे पूछना है और अपनी रिसर्च करनी, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। अगर बात करें इसके रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर, देखिए जो लिस्टिंग हुई थी एंड लिस्टिंग गेन हुआ वो अलग है, लेकिन उसके बाद किस तरह से गेन है वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहां से अक्टूबर 20 से लेकर इसकी जो लिस्टिंग उसी के आसपास हुई थी एंड उसके बाद यहां आप देख सकते हो किस तरह से रिटर्न इसने पिछले एक साल में बना के दिए। लॉन्ग रन में तो आपने देख लिया, शॉर्ट रन में जरा देखिए रिटर्न कैसे दिए हैं। एक साल हुआ नहीं है, जैसे कि अक्टूबर की बात हो रही थी, अक्टूबर जो हो जाएगा 21 में तब हो जाएगा, 6 महीने में रिटर्न देखिए और 3 महीने किस तरह से इसमें ब्लास्ट हुआ है, आप यहां समझ सकते हो कि 3 महीने में 277% का रिटर्न, दिस इज ह्यूमंगस। और बाकी एक मंथ में YTD कहीं पर भी आप देख लीजिए, अगर कहीं पर वीक है ना, ये नहीं कह रहा कहीं पर कमजोर, ये नेगेटिव है, वीक है तो एक वीक में सिर्फ वहां, वो भी तब जब आपको आखिरी ट्रेडिंग डे में ये यहां से इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई 2% से ऊपर, अदरवाइज वहां भी 5% से ऊपर ही होता। तो इस तरह से इसने रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को। अभी तक इतने रिटर्न देने के बाद वैल्यूएशन बहुत महंगे हो चुके हैं, एक दफा देख लेते हैं, इंडस्ट्री पी चली 48 के आसपास और ये हमें मिल रहा अभी भी 29 के आसपास, यानी अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा नीचे तो मिल रहा है, यानी थोड़ा नहीं थोड़ा अच्छा नीचे मिल रहा है, सिर्फ पी रेशियो के हिसाब से बात करें। अगर ईपीएस की बात करें तो इस वक्त 44+ दिखाई दे रहा है, जो ईपीएस तो अच्छा है, एंड डिविडेंड यील्ड की बात करें उतना 1% के आसपास, ये 0.99 है, तो वहां से आप इसे ओके अच्छा कह सकते हो। अगर बात करें डिलीवरी के आखिरी ट्रेडिंग डे की बात करें 34+ हुई है, तो इसे भी आप ओके अच्छा कह सकते हो। तो ये तो रहे इसके कुछ वैल्यूएशन, इसके नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं, ये हमें सब कुछ बताएगा जो रीसेंट क्वार्टर का, अभी का अगर बताना जून क्वार्टर में कैसे इसके नंबर आए। इसकी जो अगर बात करें पिछले साल से कंपेयर करें, जून 21 से लेकर और जून 2020 से लेकर, पिछले एक साल में जो इसकी नेट सेल रही है उसमें 94% की जंप आई हुई है। जैसे इसका रिजल्ट आया था उसके दिन, अगले ही दिन अपर सर्किट लग गया था उसी दिन, तो आप समझ सकते हैं। वहीं अगर बात करें इसके क्वार्टरली नेट प्रॉफिट के, अगेन जून 20 और जून 2021 की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपको 208% की जंप दिखाई दे, जिसे आप अगेन मंगस कह सकते हो, यानी नंबर्स आपको पॉजिटिव में, सुपर पॉजिटिव में चेंज होते दिखाई पड़ रहे हैं। एबिटा की बात करें 176% अगेन जंप। उसके बाद अगर हम बात करें इसके ईपीएस की, जो जून में पिछले साल 2020 में 5 था, 5.30, अभी कितना हो चुका 14, यानी ऑलमोस्ट आप इसे डबल से भी ज्यादा हो चुका है। इस तरह से चीजें बदल रही है, सिर्फ इसी में नहीं, जैसे हमने बोला था कि यही नहीं, इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं अगर आने वाले टाइम में जिस तरह से डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं, जो ग्रोथ पॉइंट, जो ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, और इस तरह से डेफिनेटली चीजें चेंज होंगी,
कहूंगी, लोग और भी इसको समझ रहे हैं, एडुकेट हो रहे हैं, सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली इन जैसे फॉर्म को फायदा हो सकता है। ये सिर्फ इतने नहीं, और भी आने वाले टाइम में और भी लिस्टेड होते हुए आपको ऐसे प्लेयर दिखाई पड़ सकते हैं। इन सब के बाद इसके चार्ट के ऊपर डिस्कस करें। चार्ट हम शुरू करेंगे वीकली से, तभी हम कुछ समझ पाएंगे। हमने रिटर्न देख लिया, जरा रैली भी देख लेते हैं। कैसी रैली आर किया, वन साइडेड वीकली पे आई है, यानी हर वीक में इसमें रैली थी, और किस तरह रैली थी आप यहां समझ पा रहे होंगे। आखिरी की जो कैंडल है यहां पर यह रैली थमते हुए नजर आ रही है, यानी थम सी गई है कुछ टाइम के लिए। अभी कितनी थमेगी ये तो अभी हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जो आखिरी कैंडल बनी है ये डोजी, यानी ऊपर तक गया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई एंड जो क्लोज हुआ बिल्कुल अपने लो के आसपास हुआ। प्लस इसमें बुल्स यहाँ पे, बुल्स थक चुके हैं, अभी बियर्स के बारी यहां से कुछ टाइम के लिए आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो इसने वीकली बेसिस पर बड़े ही ह्यूमंगस रिटर्न दिए हैं। अब वनडे का चार्ट को समझे, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्रोसेस प्लस लिंक्स दोनों मिल जाएंगे। प्राइवेट चैनल पर रियल टाइम बेसिस पर हम अपने पर्सनल ट्रेड भी शेयर करते हैं, प्लस कुछ एडिशन सिखाने की कोशिश भी करते हैं। बहुत बार क्या होता है, रियल टाइम बेसिस में हमें कई सारे ब्रेकआउट मिल जाते हैं या फिर कई सारे कुछ और अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, वो हम वहां पर शेयर करते रहते हैं। तो इसके लिए अगर आपको लगे यूजफुल पार्ट बन सकते हैं। यहां देखने की कोशिश करें वनडे में क्या हो रहा है, ये शेयर किस तरह से वीकली के चार्ट पे तो बुलिश था वही है, लेकिन जब वनडे पे अपट्रेंड में बना रहा है, ये अपने 20 डे से नीचे आया ही नहीं, अब यहां से हो सकता है कि उसमें कुछ थम जाए। अभी डेफिनेटली यहां से उसमें कुछ थमना चाहिए, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग या तो इसमें दो चीजें हो सकती है, जैसे इसमें जस्ट रिसेंट में हुआ या फिर पहले हुआ, इसमें टाइम करेक्शन हुआ, ये अपने 20 डे के आसपास ही कूल ऑफ हो जाता है वो, और वहीं से अपट्रेंड की जर्नी को शुरू कर देता है। अदरवाइज प्राइस करेक्शन इसमें उस तरह से अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए इसमें अगेन फिर से करेक्शन तो चाहिए। अब जिस तरह से इस लेवल पे इसमें फ्रेश बाइंग करना थोड़ा सा अवॉइड, मैं मेरे हिसाब से एज पर माई पर्सनल व्यू यहां पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हाँ, जिन लोगों के पास है सिनेरियो नंबर तीन आते हैं इसमें, जिन लोगों के पास है उन्हें क्या करना चाहिए, आपको या तो आपने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, लंबे प्लान के लिए, बिल्कुल लॉन्ग लाइफ के लिए, तो वहां पे तो आपको लॉन्ग लाइफ के 5-10% की गिरावट के बेसिस पे आपको अपने लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग है, गोल प्लानिंग है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये तो रहा, तो आपको तो कुछ टेंशन की बात नहीं है एज ऑफ नाउ। जिनको फ्रेश बाइंग करनी या इस लेवल पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, किसी अच्छे लेवल के आसपास, किसी अच्छे सपोर्ट के आसपास, यानी 1000 के आसपास या बिलो 1000 अगर ये मिलता है आपको, तभी इसमें कुछ एंट्री की जा सकती है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट के आसपास। एज ऑफ नाउ क्या है, एज ऑफ नाउ भले ही पीक पे, फिर चाहे ऐसा जब कोई शेयर पीक पे होता है और भागा नहीं होता है, टूटा नहीं होता है, तो उस वक्त हमें लगता है अभी तो 1300 के आसपास, 1000 कैसे आ जाएगा। हर किसी शेयर में अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे में प्रॉफिट बुकिंग आती है। कुछ एग्जांपल देते हैं, रीसेंट के एग्जांपल देते हैं, CDSL किस तरह से भाग रहा था, आया प्रॉफिट, उसमें भी सर्किट पे सर्किट चल रहे हैं आजकल, 5-5% के 2 दिन से सर्किट चल रहा है, ऊपर के लेवल से कई अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी आ चुके हैं। वहीं बात करें BSE में, 2 ही दिन में 14% का करेक्शन आ चुका है। कैंप्स की बात करें, जो रिसेंट में भाग रहे थे, वो सिर्फ उन्हीं के एग्जांपल दे रहे हैं, उसके अलावा तो बाकी तो और है, HLE, इंडिया मार्ट, बाकी और भी कई सारे हैं। इसीलिए इसमें भी इस तरह से रैली आ चुकी है। सारे गामे की भी बात कर ली, सारे गामे किस तरह से आज के दिनों में प्रॉफिट बुकिंग कर चल रही है। तो न्यूजेन, बहुत सारे ऐसे हैं जो हम ही ने इस चैनल पर रिकमेंड किए, इसलिए हमें भी याद है, लेकिन हम टाइम से निकल भी गए थे। बस यह है कि अगर हम इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर की बात हो रही है, तो हम ठीक से गेन भी ले पाएंगे। यहां पर भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, इसलिए ना इस लेवल पर थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास या फिर इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट के आसपास। अभी ये ब्रेकआउट के लेवल पर तो है नहीं, ये तो बिल्कुल पीक के आसपास है, इसलिए थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए। लेवल्स आपको समझ गया, 1000 बिलो अगर मिलता है कभी भी, ये इसका पहला जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आते हुए दिखाई पड़ रहा है, ये है इसका 1000 के आसपास। ये या फिर इसके नीचे अगर जब भी आता है इस लेवल के आसपास, अगर इस लेवल तक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ही हम कुछ देख सकते हैं। जैसे जैसे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आगे जाके भी इसको हम कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये फोकस पे जरूर रहेगा इस लेवल से। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ डाउट हैं जो हमने अभी तक क्लियर नहीं किया, आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनका आंसर दे सकें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कुछ दिनों के लिए इसको वॉच लिस्ट पर जरूर लगाएं, इसको मॉनिटर करें किस तरह से मोमेंटम आता है, किस कहां तक ये सपोर्ट लेता है, कहां तक इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग तो इसमें बनती है, इसलिए ये फोकस पर रहेगा। थैंक यू सो मच।